तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो रात की वजह से मैंने मेहंदी लगा ली थी। आज तीज है हमारा और अभी के बज रहे हैं 2:30। तो अभी सब कुछ सारा काम निपट गया है, मतलब सब जो भी काम था घर का, पोछा वोछा बर्तन जो भी था सब कुछ निपट गया है। और अब मैं जा रही हूँ अनार सा बनाने। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं भी, और उसके लिए सबसे पहले मैंने ट्राया ये वो करके रख लिया है चावल ये सब। तो गाइस देख सकते हैं चावल यहाँ पर रेडी करके रख लिया है, इसको धो करके पीस लिया है मैंने अच्छे से, देख सकते हैं। और इसके बाद जो पाक रेडी करना होता है वो मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ पाक। और देखते हैं कैसा बनता है। तो गाइस यहाँ पे जब तक मेरा अनारसा का प्रिपरेशन हो रहा था तब तक मैं सोची क्यों ना मैं अपने पायल पहन लूँ पहले, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि धीरे धीरे जब तक कुछ हो रहा है तो हम और तो की आदत है कि उसमें वो बचे हुए टाइम में कुछ ना कुछ कर लेने की। तो यहाँ पे मैं पायल पहन रही थी एंड उसके बाद मुझे नेल पेंट। और यहाँ पे मैंने तीज मेकअप कैसे किया है वो आपको अगले ब्लॉग में पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने इसका ब्लॉग डाल दिया है। तो गाइस यहाँ पे प्रसाद के लिए अनारसा बन रहा है और मुझे लगा था पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, जब ये दूसरे दिन जब मैंने इसे टेस्ट करके देखा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं हो रही हूँ फटाफट तैयार, पूजा का टाइम भी हो गया है, मुहूर्त के हिसाब से पूजा करना है। तो यहाँ पे मैं सारा मेकअप ऑलरेडी कर चुकी थी, चेहरे का आप देख सकते, सब कुछ कर चुकी थी। लास्ट मैं वही अपना ट्राई कर रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, बस इसीलिए इतने चेंजेस हो रहे थे यहाँ पे कि क्या पहनूँ उस साड़ी पे क्या जाएगा, तो उसी हिसाब से मैं सोच रही थी बहुत। तो यहाँ पे चेंजेस चल ही रहे हमारे। यहाँ पे मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। तो कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना। ओके, तो अभी सब कुछ हो चुका है और जो भी मैं बनना था आपने देखा अनारसा ये सब बनाई मैं, तो वो सारी चीज़ें हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ अपने पूजा की तैयारी करने के लिए। ये रूम मेरा पूरा खाली है तो मैं सोच रही हूँ कि यही रूम में फिर पूजा की तैयारी करूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पे पूजा की तैयारी हो गई है शुरू। और बाबू बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था यहाँ पे, मतलब जैसे बच्चों को रहता है कि मुझे ही दे दो, फल दे दो या मिठाई दे दो, मुझे दे दो सबसे पहले। तो बहुत परेशान कर रहा था, उसे हैंडल करना मुश्किल हो गया था हम लोगों के लिए, बट कोई बात नहीं, पूजा भी बहुत अच्छी तरीके से हुई हमारी।
तो गाइस यहाँ पे सब पूजा आप देखी चुके हैं। बाबू बहुत ही ज्यादा परेशान थे उस टाइम पे और अभी भी परेशान कर ही रहा है ना। काय के लिए बैठ के टीवी देख, चल चल सोच के देखेंगे। ठीक है मम्मा दबा देगी, चलो। तो अभी पूजा हो चुका है, पूजा हुए मतलब करीबन एक आधा घंटा हो रहा होगा और मैं अब बहुत देर फोटोज़ खींच लिए इनके साथ, रील्स बना ली है। अब जा रही हूँ ये सारी चेंज करने के लिए, बहुत ज़्यादा हैवी भी लग रहा है और जैसे कभी पहनते नहीं है ना साड़ी वाड़ी तो थोड़ी दिक्कत होती है। और तो अभी सब कुछ अच्छा है, अब मिलते हैं कल। ओके Thank you.
टांगों को नहीं लगेगा। तो गाइस इस व्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।